हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और टाइम वही 9:30 हो रहा है, एग्जैक्ट 9:30 हो रहा है। मैं 9:30 को खाली हो रही हूँ, तो 9:30 को ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि शिवी स्कूल चली जाती है और उसको छोड़ने ये चले जाते हैं और उसके साथ साथ बुगू भी चला जाता है, तो थोड़ी सी शांति रहती है। तो जब शांति रहती है तभी थोड़ा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और मैं हुई पड़ी हूँ बिल्कुल एकदम एक नंबर की चुड़ैल। सच्ची यार, मेरा बाल देख के मुझे बहुत वो हो रहा है। अब आज तो मैं पक्का इसको धुल के रहूँगी, आज कुछ भी हो जाए आज इसे धुल के रहूँगी। और मेरी खांसी यार सही नहीं हो रही है, बहुत खांसी आ रही है। और एक और प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे अब गाँव जाना है और शादी इंजॉय करने जाना है, सबको पता ही है। और मेरे पूरे फेस पे पूरी ऐसे पिगमेंटेशन हो गई है, एक यहाँ हो गई है, दिख रहा होगा आई थिंक, एक यहाँ हो गई है, यहाँ हो गया है, यहाँ हो गया, ये तो पेन लगी है हाथ में भी पूरा। ये पूरा बुगू का काम है, वो मेरे हाथ पे ही लिखता पड़ता है। सो एनीवेज, अभी जा रही हूँ, मुझे बड़ा काम है, आज भी बहुत काम है। सो काम ये है कि सबसे पहले तो जाना है खाना बनाने। और नाश्ता में मैंने इडली बना दिया था, और जिस दिन इडली बना दो ना उस दिन अच्छा रहता है। शिवी भी इडली लेके चली जाती है और फिर वही सब लोग नाश्ता भी कर लेते हैं, तो थोड़ा आराम हो जाता है। और सिर्फ खाना बनाना है, तो खाने में आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी और चावल रोटी, यही बनाऊँगी। और बच्चों के लिए थोड़ा सा दाल बना दूँगी, तो वो लोग खा लेंगे। आज कपड़ा तो नहीं धुलूँगी, अब मैंने अपना जितना कपड़ा था वो सब धुल लिया है, अब जो बाकी है वो लोग धुलेंगे अपना। हाँ सच्ची में बहुत खांसी आ रही है यार, मेरा गला बिल्कुल दर्द हो रहा है। आज भी जाना है थोड़ी सी, आज भी जाना है थोड़ी सी और शॉपिंग रह गई है मेरी, वो पूरा करने। आज तो बिल्कुल कंप्लीट करके आऊँगी मैं, अब चाहे टाइम जितना भी लगे। यार इनका टाइम लिमिट है ना, इनको ऑफिस भी जाना रहता है, इसलिए थोड़ी सी जो बाकी रह रहा है ना वो एक दिन में पूरा ही नहीं हो पा रहा है। फिर सिवी के आने का भी टाइम हो जा रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि उसे जाके पिक करना पड़ता है। वहाँ कोई वो नहीं है कि जैसे बस बस से आके या मतलब घर आ जाए, उसे जाके वहाँ लेना पड़ता है। थोड़ा सा भी लेट होगा तो वो उधर रोने लगेगी, तो फिर उधर से फ़ोन आने लगता है। बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। चलो बातें बहुत सारी हो गई, मैंने पका लिया, अब चलते हैं थोड़ा काम कर लेते हैं, बहुत काम भी करना है, तो लेट्स गो। तो सब्जी के लिए मैंने यहाँ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन काट लिया है, और ये है पनीर। तो कुकर में मैं बना रही हूँ, और कुकर में मैं तेल डाल के, जीरा डाल के, तो सभी चीज़ें डाल दी हैं, टमाटर वगैरह और हल्दी, नमक, मसाला, धनिया, और ये 2 चम्मच मलाई डाल के मैंने अच्छे से पका लिया। और थोड़ा सा पानी डाल दिया, सिर्फ थोड़ा सा ही डाला जितना कि पनीर उसमें डूब जाए, बस उतना ही डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और मेरी सब्जी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बनी है, ऊपर से धनिया की पत्ती। सब लोग जा रहे हैं, मेरी जो बाकी शॉपिंग है उसे पूरा करना है, चलो चलते हैं, आ रहे हैं। अब हम लोग आ गए मॉल, और मेरे से एक गलती हो गई, क्योंकि जब मैं घर से निकल रही थी तो मैं मास्क लेना भूल गई, और वहाँ एंट्री नहीं होने दे रहे थे। तो फिर इनके एक कोई दोस्त मिले, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आ जाओ। तो मैं वैसे ही बिना मास्क के घूम रही थी, जो देख रहा था वो बोल रहा था मैडम मास्क, मैडम मास्क। और फिर वही सब चीज़ें ले ली जो थोड़ा चाहिए थी मुझे, जो ज़रूरी थी वो सब चीज़ें ले ले रही हूँ। थोड़ी चॉकलेट्स ले ले रही हूँ बच्चों के लिए, और बुग्गू पूरा शॉपिंग करेगा अभी, आप देखिए वो पूरा जो उसको मिल रहा है वो भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। Thank you.
और ये आइसक्रीम खाने के लिए इतना जिद कर रहा था, बहुत रोया बहुत रोया। तो फिर लास्ट में क्या करें, इसको दिलाना पड़ा आइसक्रीम, नहीं तो इतनी रोते 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 रो पूरे रास्ते आ रहा था। सो ये हम लोग को घर छोड़ के चले गए शिवी को लाने, उसको भी आने का टाइम हो गया है। और यार बड़ी जोर से भूख लग गई है, चलो कुछ खा लेते हैं पहले। चलो ठीक है, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, शिवी तब तक आ जाएगी और तब तक इसकी बदमाशियाँ दिखा दूँ मैं। क्या कर रही है, आइसक्रीम लेके उसका, ये क्या कर रहे हो तुम, आज चिमका ले। अह पूरा गिरा फड़ा के पीछे दिखाओ, फिर से क्या दिखाओ, क्या दबाओ। और अब कर लेते हैं लंच क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और ये मेरी अच्छी टेस्टी पनीर की सब्जी, सिर्फ 15 मिनट में मैंने इसे बना लिया था। और अगर आप भी चाहें तो ऐसे बना सकते हैं झटपट। और अब चलते हैं मेहंदी लगाने क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो फिर मैं चली गई मेहंदी लगाने, उसी टाइम आई थिंक 2 या 2:30 बज रहे होंगे तभी मैं गई थी। और फिर जल्दी से मुझे छुड़ाना भी पड़ा मेहंदी। मेरी मेहंदी भी लग गई, अभी इसका कलर नहीं आया है क्योंकि 2 या 2:30 बजे, हाँ ऐसे ही करीब मैं गई मेहंदी लगवाने और फिर लगवा के आया और तुरंत फिर धुल भी दी। मेरी मेहंदी भी लग गई, ये देखिए अभी कलर नहीं आया है। अब पता नहीं, देखते हैं कल तक कलर आता है या नहीं, कैसा आता है। क्योंकि जब लगवा के आई तो 5-10 मिनट तक मैंने वेट किया, उसके बाद मुझसे वेट ही नहीं हो रहा था यार, बहुत उलझन जैसी हो रही थी क्योंकि बहुत काम पड़ा था, बहुत काम पड़ा था। बर्तन धुलना था यार, बर्तन धुलना था, गैस साफ करनी, बुगु बुगु, तो गैस भी धुलनी थी, तो इसलिए मैंने मेहंदी छुड़ा दी और वो सब साफ कर लिया है। और फिर अब जा रही हूँ, वो थोड़ा रास्ते के लिए लाई चूड़ा वगैरह भून लूंगी थोड़ा। हाँ, बुग्गू 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 ने भी मेहंदी लगाई, थोड़ा सा लगाया इधर देखो, हाँ भैया लगाया। सो चलते हैं यार, अभी और कितना काम बाकी है भगवान। हाँ बुग्गू बुग्गू, अब फिर से मैं ये मूंगफली लाई वगैरह सब भून रही हूँ और ट्रेन में ले जाने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ अच्छा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है खाने के लिए। और थोड़ा ले जाऊंगी, थोड़ा रख दूंगी इन लोगों को खाने के लिए। और तब तक इसे चोट लग गई, रोने लगा और शिवी रिकॉर्ड कर ली तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और काम पूछे मत, काम बहुत है। और ये है वो मलाई होती है ना, उसको उसमें से घी निकालना है, लेकिन ये आज मुझे बहुत परेशान कर रहा है, निकल ही नहीं रहा था। सो लास्ट में बहुत देर बाद ऐसे निकल। अब बस मैं कर दे रही हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि अब कुछ बहुत बहुत काम है, काम तो मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन इस टाइम का काम ये है कि अब खाना बनाना है, रोटी बनानी है मुझे, तो सिर्फ मैं रोटी बना ले रही हूँ और जो सब्जी बनाई थी ना वही है, उसे ही खा लेंगे हम लोग। तो इस टाइम कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, बस रोटी बनाना है। और अभी देखिए मैं लेके बैठी हूँ आलू, इसे छीलना है, कट करना है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बहुत 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 काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे अभी कट करके भुजिया बनाना है सुबह, तो बना के रख दूँ फ्रिज में और सुबह सिर्फ इसे बना लेना है। तो बस यही था आज का वीडियो। एंड प्लीज़, हाँ अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मिलते हैं कल, मतलब कल के ब्लॉग में, वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यार मेरी मेहंदी का कलर ही नहीं आ रहा है, कल देखते हैं कल कैसा आता है।